मैं हूँ आज एच नाइन में नर्सरी में और यहाँ पे न्यू नर्सरी फॉर्म हाउस है। यहाँ पे मैं अच्छा सा पौधा सेलेक्ट करूँगी जो सायादार भी हो और फूल भी देता हो और हमारी अन्य नर्सरी इसको जो है खाएँ और हमें दुआएँ दें। और मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी इसमें हिस्सा लें, जिस तरह की इमरान खान ने पौधा लगा के मुहिम शुरू कर दी है और पूरे पाकिस्तान ने किया, मतलब पूरे पाकिस्तान में ये शजर कार्य की मुहिम जारी रहनी चाहिए। और आए मैं भी सिलेक्ट करती हूँ कि मैंने कौन सा पौधा लेना है। और आज तो मैं कोई अच्छा पौधा ढूंढ के लेके जाऊंगी ताकि हमारी आने वाली नस्लें उसकी छांव में बैठ सकें, उसका फल खा सकें और उसका केयर कर सकें। अल्लाह करे मेरे बच्चे, मेरी आने नस्लें जो है उसका ख्याल रखें। हम ढूंढ रहे हैं ऐसा पौधा जिसका फ्रूट भी खा सकें और उसकी छाई में बैठ सकें। देखें क्या मिलता है आज हमें यहाँ से। बाहर तो मुझे लगा था एक छोटी सी शॉप होगी, नर्सरी का पौधा खरीदूंगी आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं अंदर आई हूँ तो देख रही हूँ कि आप एक वसी कलेक्शन है यहाँ पर फूलों की, पौधों की, हर तरह की और है। और आप घरों में भी गमलों में चीज़ें लगाएं, पौधे लगाएं। और ये ग्रीनरी मुझे नर्सरी बचपन से ही बहुत पसंद है। जब मैं छोटी होती थी ना तब भी मेरा दिल करता था मैं कब कब बड़ी होंगी तो इनके अंदर जाऊँगी। नादी बता के इतने अच्छे गमले गमले बन रहे हैं। ये क्रश मिट्टी से लोगों की पसंद के मुताबिक, आवाम की पसंद के मुताबिक। और यहाँ देखें ये बड़े बड़े खजूर के दरख्त भी हैं जो लोग अपनी जाके हवेलियों में लगाते हैं। मैंने दो नर्सरी से पौधे ले लिए हैं। एक तो हमारा अमरूद का है जो मैं खाऊंगी बाद में जब बड़ा हो जाएगा, और दूसरा हमारा है बोता ब्रश वाला दस भी लिया है जो हम पाकिस्तान को सजगकारी करेंगे और इसको मुहिम को जारी रखेंगे और मेरी आने वाली नस्लें भी इसकी यहीं केयर करती रहेंगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाएँ ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखी जा सके। का अराउंड अबाउट है रिफा और ये आप लोगों भी देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए इतना अच्छा मोनोमेंट टाइप लोगो बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत। और मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पर कि ये इससे खूबसूरत जगह मुझे नज़र ही नहीं आई कि मैं कहाँ पे पौधा लगाऊँ। और जिस तरह आप सबको पता है हकूमत ने शजरकारी के बारे में बहुत सख्ती से कहा है कि पौधा लगाएँ, पौधे लगाएँ। और मैं पूरे पाकिस्तान को कहना चाहती हूँ, बाकी चारों सूबों को भी कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं शजरकारी में हिस्सा लें, पौधे लगाएं, ग्रीनरी हो, ऑक्सीजन मिलती है और हमारा माहौल अच्छा खुशगवार हो जाता है। तो आज मैं भी इसमें हिस्सा लेने जा रही हूं और अभी आप देखेंगे कि मैं कौन सा पौधा लगा रही हूं, क्यों लगा रही हूं, इसका मकसद क्या है, ताकि ग्रीनरी हो जाए और हम इसके साए में, हमारी आने वाली नस्लें इसके साए में बैठ के फल फ्रूट खाएँ और खुश रहें और हमें दुआएँ दें और आप भी ये करें। तो हम नया शुरू कर रही हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन लगा रही हूँ, बहुत मुश्किल है लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी जो है मिट्टी नरम हुई हुई है तो मुझे काफ़ी आसानी हो रही है खोदने में। तो आप लोग भी आए और मुहिम में ज़रूर हिस्सा लें। बच्चा हो, बच्ची हो, लड़का हो, लड़की हो, सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसमें हिस्सा लें। मैंने तो हिस्सा ले लिया और आप लोग भी ज़रूर आएँ। नाज़रीन तकरीबन मेरा काम हो चुका है और मैंने काफ़ी खोद लिया है, बस अब पौधा जो है वो लगाना है। और इसको पहले आपने यहाँ से थोड़ा सा इस ब्लैक शॉपर को थोड़ा सा आपने काटना है
ताकि ज़मीन में अपनी जड़ें ठीक से बिठा सकें। और यहाँ पे मुझे माली बाबा भी गाइड कर रहे हैं। और मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी गार्डनिंग, मेरी अम्मी ने घर में बहुत पौधे लगाए हुए थे, लेकिन मैंने और नाज़रीन अब हम इसका शॉपर उतार देंगे ताकि प्लास्टिक तो वैसे ही पता आपको गलता भी नहीं है और ये हो जाता है। और नाज़रीन ये मैं अब ये मेरे अब्बू के नाम पे मैं लगा रही हूँ, सैयद मोहम्मद अमीन शर मेरे अब्बू का नाम है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको भी बहुत शौक़ था गार्डनिंग का, तो उनके नाम पर है और पूरे पाकिस्तानियों के नाम, पूरे पाकिस्तान के लिए कि ये शजरकार की मुहिम है, तो ये मैं अपने हाथों से आज यहाँ पर इसको नस्ब कर रही हूँ। होते तो बहुत खुश होते और कहते कि मेरी बेटी ने मेरे नाम का पौधा लगाया है और मेरी भी आने वाली नस्लें। और नाज़रीन आपको ये बताती चाहूँ, ये मैंने अमरूद का दरख्त लगाया है और अमरूद की छांव भी बहुत होती है, अमरूद बहुत अच्छा फल देता है और ये साल में दो दफ़ा फूट देता है और मैं दोनों दफ़ा आके खाया करूँगी। ख्याल रखते हैं इनका? नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं हम तो 24 घंटे इधर जो तो होते हैं दोनों हाथ। जब सब गर्मी धूप होती है खुश कोए तो आपको पानी भी इनको आप देते हैं? बिल्कुल, वो मोटर लगी हुई है वहाँ से पाइप। अच्छा। हुआ है सब जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ग्रीनरी बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अब मैं इसको पानी भी देती हूँ, पौधा लगा चुकी हूँ और इसको पानी देना बहुत जरूरी है, पानी धूप खाद इसके लिए बहुत जरूरी है और मैं इसको आती जाऊँगी और देखती ही जाया करूँगी। और आप लोगों ने अब क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करते रहें और मुझे बताते रहें मुझे और किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं अपना बोर्ड लाना भूल गई थी, इसलिए अभी फ़िलहाल तो मैं सीरत प्रोडक्शन के कार्ड के साथ अवेज़ा करने लगी हूँ। सीरत प्रोडक्शन का कार्ड है और यहाँ पर अभी लगे रहेगा, इसके बाद यहाँ पर लगेगा पूरा बोर्ड लग जाएगा, तख्ती लग जाएगी जो ये सीरत प्रोडक्शन ने लगाया था अब होता और इसके आने नस्लों को पता चल गया सीरत प्रोडक्शन कितनी अच्छी थी।